नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके समक्ष एक वैकेंसी की रिक्वायरमेंट के बारे में संपूर्ण चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। जानेंगे आज एफसीआई के बारे में। साथियों, एफसीआई ने हाल ही के अंदर एक रिक्वायरमेंट जारी किया साथियों, जो कि आपकी हाल ही में जोन वाइज वैकेंसी को रिकमेंड कर रही है। इसके अंदर मैनेजर और ट्रेनिंग की वैकेंसी एफसीआई ने हाल ही के अंदर निकाली है साथियों, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप इसके अंदर जोन वाइज क्या है अप्लाई कर सकते हैं। अब जोन वाइज का मतलब हो गया कि जैसे ईस्ट साइड वाले हैं या नॉर्थ साइड वाले हैं, वेस्ट साइड वाले हैं और साउथ साइड वाले हैं, तो आप अपने जोन के बेस पर इसके अंदर क्या है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वैकेंसी है किस पद के लिए, तो ये मैनेजर और ट्रेनी की वैकेंसी है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है जी। चलिए, एफसीआई के अंदर अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी के अंदर इसने क्या है वैकेंसी जो आपकी वो डाल रखी है, जिसके अंदर कुछ पदों के बारे में इन्होंने बता रखा है। एक तो इसके अंदर क्या आपकी मैनेजर के अंदर जनरल की वैकेंसी दी गई है, एक डिपो के अंदर दी गई है साथियों, और एक आपकी क्या मूवमेंट के अंदर दी गई है। ऐसे ही अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यहां पर क्या है वैकेंसी दी गई है, ठीक है जी। चलिए थोड़ा वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं। जोन वाइज अपने कुछ पोस्टें इसके अंदर दी गई हैं कि कितनी पोस्टें आपकी जोन वाइज हैं जो निर्धारित की गई हैं, और साथ ही साथ ये भी अपने थोड़ा समझेंगे इसके अंदर कि आपकी इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या बैठेगी आपकी वैकेंसी के आधार पर, यानी आपके पद के आधार पर आपकी क्वालिफिकेशन यहां पर क्या स्टिक बैठेगी। हाँ जी, देखिए साथियों, यहां पर अगर पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने दे रखी है मैनेजर के अंदर जनरल की, ये आपके पोस्ट कोड दे रखी है, ये नॉर्थ जोन के अंदर है। मैं आपको बता रहा हूं ये जोन वाइज वैकेंसी है साथियों, रिक्वायरमेंट के ऊपर भी एफसीआई ने डाल रखा है जोन वाइज रिक्वायरमेंट। तो जोन वाइज रिक्वायरमेंट के अंदर नॉर्थ जोन के अंदर आपका पोस्ट कोड ए रहेगा, पोस्ट कोड ए है, जिसके अंदर आपकी पेमेंट जो इसमें बता रखी है यानी जो सैलरी पे बता रखा है वो 4000 से 14000 तक का बताया हुआ है, 1,40,000 तक का बताया हुआ है, 40,000 से, ठीक है साथियों। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 28 वर्ष इसके अंदर निर्धारित की गई है, यानी अधिकतम कैंडिडेट 28 साल वाला कैंडिडेट जो है वो अधिकतम इसके अंदर क्या है अप्लाई कर सकता है, जिसके अंदर ओबीसी की एक सीट क्या है निर्धारित की गई है। इसी प्रकार मैनेजर डिपो के अंदर और मैनेजर मूवमेंट के अंदर और मैनेजर अकाउंट के अंदर और मैनेजर टेक्निकल के अंदर और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, सभी के अंदर 28 वर्ष की आपके अधिकतम आयु सीमा इसमें निर्धारित की गई है, और ये कुछ पदों की संख्या इसमें क्या है अपनी दे रखी है। इसी प्रकार थोड़ा आगे देखते हैं तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो यहां पर आपकी निर्धारित की गई है 11, और इसके अंदर आपकी जो ओबीसी की वैकेंसीज है वो इसके अंदर जो निर्धारित की गई है साथियों वो 6 वैकेंसीज इसके अंदर निर्धारित की गई है, ठीक है जी। चलो इसी के साथ में अपने बढ़ते हैं आगे साउथ जोन के बारे में। तो ये साउथ जोन का आपका समक्ष विवरण दिया गया है, जिसके अंदर मैनेजर जनरल के अंदर वही अधिकतम आयु 28 वर्ष। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान से देखिएगा, एफसीआई रिक्वायरमेंट के अंदर इन्होंने एज का जो क्राइटेरिया है वो एक वैकेंसी के लिए हटके से दिया गया है, वो है मैनेजर हिंदी के लिए। साथियों, मैनेजर हिंदी के लिए इन्होंने 35 ईयर अर्थात 35 साल की अधिकतम आयु का विवरण दिया गया है, कब से कब तक, 1 तारीख 8वां महीना 2022 तक आप 38 वर्ष के हैं तो आप अपनी योग्यता रखते हैं इसको भरने में एज के आधार पर, ठीक है। इसके अंदर भी आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो निर्धारित की गई है कितनी, 16 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निर्धारित की गई है साथियों, वो कितनी की गई है, 16। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो ये आपका वेस्ट जोन है, और वेस्ट जोन के अंदर वही आपके पदों की संख्या है, वो टोटल कितनी दी गई यहां पर, 20 पदों की संख्या दी गई है। ओबीसी के अंदर आपकी एक सीट है, यहां पर मैनेजर अकाउंट्स के अंदर 2 सीट है, और इसी प्रकार टोटल आपकी 3 सीट यहां पर निकल कर आती है सामने। मैं आपको बता रहा हूं कि एज जो आपकी है वो 28 वर्ष यहां पर अधिकतम है जो एफसीआई के द्वारा रिक्रूट की गई है, ठीक है जी। अब यहां पर आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका ईस्ट जोन जो है साथियों, ईस्ट जोन के अंदर आपकी जो कुल पदों की संख्या निर्धारित की गई है वो 21 आपके यहां पर कुल पदों की संख्या दी गई है, जैसे कि आपका मैनेजर मूवमेंट हो गया, अकाउंट हो गया, टेक्निकल हो गया, और अधिकतम आपके 28 वर्ष यहां पर दी गई है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर भी आपके पदों की संख्या जो टोटल है वो आपकी 18 दी गई है, ठीक है साथियों। तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि आपकी जो कुल पद यहां पर रहने वाले हैं साथियों, जो कुल पदों की संख्या यहां पर निर्धारित की जा रही है वो आपकी लगभग 100+ यहां पर पद हैं जो दिए गए हैं, अलग अलग जोन वाइज वैकेंसीज हैं जैसा कि मैंने बताया। तो लगभग आप 100+ वैकेंसीज मानकर चलिए, जिसके अंदर मैनेजर और ट्रेनी की वैकेंसी है।
इसके अंदर जो पोस्ट हैं वो आपकी अलग अलग हैं, मैनेजर आपके अंदर अकाउंट भी दिया गया है, मैनेजर की जनरल भी है, मैनेजर डिपो है, मैनेजर मूवमेंट है, मैनेजर टेक्निकल है, तो ये आपकी सारी की सारी क्या है, पदों के आधार पर दी गई है। ये भी थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है, आप जिस पद के लिए योग्यता रखते हैं उस पद के लिए आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए थोड़ा योग्यता के बारे में जान लीजिए कि कैंडिडेट के लिए क्या क्या योग्यता एफसीआई ने यहां पर क्या है रखी है, किस प्रकार की योग्यता आपके लिए निर्धारित की गई है एफसीआई के द्वारा, इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यह है आपके लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/8/22 कंप्लीट, यानी कि आपका जो योग्यता और एज है साथियों वो 1/8/2022 तक निर्धारित की गई है और क्वालिफिकेशंस भी इसी आधार पर आपकी निर्धारित की गई है। मैनेजर जनरल के अंदर कोड नंबर ए, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे साथियों तो आपको अपने पद के लिए कोड नंबर देना पड़ेगा कि आप किस पद के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, उसी के आधार पर आपके कोड नंबर मेंशन किए गए हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, इसके अंदर आपके कुछ वैकेंसीज कुछ पोस्ट के लिए आपके क्या है एक्सपीरियंस भी दे रखा है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि न्यूनतम 60% कैंडिडेट के होने चाहिए मैनेजर जनरल के अंदर अगर वो अप्लाई कर रहा है। इसके अंदर आपकी एसटी और एससी के लिए छूट जो दे रखी है मिनिमम परसेंटेज की वो दे रखी है 55%, यानी जो एसटी एससी का कैंडिडेट है वो अपनी योग्यता 55% तक रखता है, अगर उसके ग्रेजुएशन के अंदर 55% है साथियों तो वो अप्लाई करने के सीमा के अंदर है, यानी वो अप्लाई कर सकता है। इसी के आधार पर अगर अपने आगे देखें तो यहां पर देख सकते हैं अगली पोस्ट, ये मैनेजर डिपो के अंदर है जो आपका क्या है कोड नंबर बी दे रखा है, और आपका जो मैनेजर डिपो के अंदर वही बात है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें 60% है मिनिमम, और आपके जो एसटी और एससी वाले कैंडिडेट हैं वो आपका 55% यहां पर रखता है। इसी प्रकार मैकेनिकल के अंदर और इसी प्रकार अकाउंट के अंदर, अकाउंट का थोड़ा सा देख लीजिए साथियों, अकाउंट का जो आपकी योग्यता है क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने हटके से बता रखी है, और अकाउंट की देख लीजिए क्या योग्यता आपको एफसीआई के द्वारा दी गई है। अकाउंट का यानी मैनेजर अकाउंट के अंदर आपका कोड नंबर डी रहेगा, इसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए आपके पास, सीई वगैरह, जैसे कि आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपके की गई हो, या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिएट ऑफ इंडिया के द्वारा आपने सीईओ की गई हो, इसके अलावा आपने बीकॉम किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसी के अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए एमबीए फाइनल की डिग्री या डिप्लोमा जिसमें मिनिमम 2 साल का हो, ठीक है जी, 2 साल का मिनिमम आपका डिप्लोमा हो यूजीसी के द्वारा आपको दिया गया हो। समझ में आ रही बात, यानी आपके पास अकाउंट के लिए या तो बीकॉम हो, ठीक है, बीकॉम के साथ में आपके इसके अंदर पीजी हो, ठीक है जी, जिसको आप या आप कह सकते हैं एमबीए वगैरह की गया हो आपका 2 साल का जिसके अंदर आपका डिप्लोमा बनता है, ठीक है जी, यूजीसी के द्वारा आपका निर्धारित किया गया हो, ये आपकी अकाउंट के लिए योग्यता इसने निर्धारित की है। इसी के साथ में साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर बात रहने वाली है, मेरे जितने भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर वाले देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें, एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है और उनकी योग्यता जो दी गई है वो है मैनेजर टेक्निकल के अंदर। विशेष तौर पर एग्रीकल्चर वाले जो मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं बच्चों ध्यान दीजिए इस बात पर, मैनेजर टेक्निकल के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड से संबंधित बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि मैनेजर टेक्निकल के अंदर जिस बच्चे की एग्रीकल्चर ऑफ बीएससी के अंदर किया गया एग्रीकल्चर है वो बंदा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ अगर उसने बीटेक किया है, बीई डिग्री की है फूड साइंस के अंदर, है ना, फूड साइंस के अंदर अगर उसने बीटेक किया हुआ साथियों वो भी टेक्निकल पोस्ट के अंदर अपनी एलिजिबिलिटी रखता है, ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ठीक है जी। और भी यहां पर दे रखा है बीटेक डिग्री और बीई डिग्री फूड साइंस टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर अगर उसने किया हो, ठीक है जी, ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखिए, खासकर बीएससी एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है जी, उनके लिए गोल्डन अवसर है, वो इस भर्ती को अच्छे से देख सकते हैं, यानी यहां पर अपनी योग्यता रखते हैं। तो आप मैनेजर टेक्निकल के अंदर भरेंगे फॉर्म को, कोड नंबर जो आपका ई होगा, ठीक है साथियों, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर निर्धारित की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके मैनेजर हिंदी के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए,
ठीक है जी, यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका क्या हो, डिग्री का लेवल हो, ठीक है जी। ये मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी हैं। चलते हैं अब आगे कि आपका जो एग्जामिनेशन है इसके अंदर वो कितने फेज के अंदर होने वाला है और एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। मैं संपूर्ण सिलेबस विषय वस्तु के बारे में आपके साथ में पूरी की पूरी बात आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर कि किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन रहने वाले हैं और क्या क्या चीजें यहां पर दी गई हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा ध्यान में देखते हुए डिस्कस करते हैं साथियों, चर्चा में लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी आपकी, मैनेजर जनरल डिपो मूवमेंट अकाउंट टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है, एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, इंटरव्यू होगा और ट्रेनिंग होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था FCI ने ये मैनेजर और ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा यानी एग्जाम होगा। अब ये ऑनलाइन टेस्ट आपका टू फेज के अंदर होगा जिसके अंदर फेज फर्स्ट और फेज सेकंड, इसके बाद में आपका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होने वाला है और फिर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। मैनेजर जो हिंदी वाला बच्चा दे रहा है जिसने PG हिंदी के अंदर की हुई है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसके अंदर सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। ऑनलाइन टेस्ट मैंने आपको जैसा कि बताया दो फेज के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी FCI। अब जो एग्जाम आपका कंडक्ट करवाने वाली है इसमें दो फेज के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, यानी सिलेबस आपका क्या रहेगा, कितने नंबर का कौन सा विषय आपका रहने वाला है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए विस्तार पूर्वक थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए साथियों कि इसके अंदर क्या क्या आपका गिवन है। देखो नेम ऑफ टेस्ट के बारे में देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, ये फेज फर्स्ट का बता रहा हूं मैं, ये थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखिए, फेज फर्स्ट का बता रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज जो साथियों इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, नंबर ऑफ मार्क आपके 25 रहेंगे, 15 मिनट आपको इसके अंदर मिलेंगे जो आपका इंग्लिश का सेगमेंट बनाता है। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे, वही समय 15 मिनट, बायलैंगुअल कंटेंट आएगा आपका यानी इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपका क्या है एग्जाम जो है वो आने वाला है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर साथियों नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके वही 25, मिनिमम ऑफ टाइम आपका क्या है 15 मिनट रहेगा, बायलैंगुअल कंटेंट आएगा जैसा कि मैंने बताया। जनरल स्टडी यानी GS के अंदर आपसे क्या पूछेगा, इंडियन हिस्ट्री पूछेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, जनरल साइंस आने वाली है आठवीं स्तर की यानी आठवीं क्लास के लेवल की, 20 क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हटके से दे रखा है, तो विशेष तौर पर करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना है, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के यहाँ पर दिए गए, टोटल यही 25 क्वेश्चन, वही 25 मार्क्स और 15 मिनट बायलैंगुअल, आया ना, ठीक है जी। चलिए इसका मतलब आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा, पहला 60 मिनट आपको यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है जी, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 60 मिनट यानी एक घंटा आपको मात्र इसमें दिया जाएगा। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा यानी कि आपका MCQs वगैरह के अंदर आपको यहां पर दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्या है ये पेपर होने वाला है, ठीक है जी। चलो ये आपकी पोस्ट कोड दी गई है, मैनेजर जनरल ABCDE, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं मैनेजर टेक्निकल के अंदर अप्लाई करेंगे, पोस्ट कोड ई है साथियों, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है जी। आपके पोस्ट कोड के आधार पर आपका पेपर आएगा, पेपर के ऊपर आपका पोस्ट कोड है वो दिया जाएगा। फेज टू के अंदर देखो साथियों, फेज टू के अंदर आपसे क्या चीजें पूछी जाएंगी वो थोड़ा देख सकते हैं। फेज टू ऑनलाइन टेस्ट शैल बी ए फॉलो, पैटर्न क्या रहने वाला पेपर फर्स्ट के अंदर, यहां पर आपसे पूछा जाएगा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120 नंबर के 90 मिनट के अंदर आपको इसके अंदर कंप्लीट करनी है। एक मैं आपको बता दूं, पहले प्रश्न पत्र के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो निर्धारित की गई है, ये अक्सर बच्चे के कंफ्यूजन रहती है, बिल्कुल 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो आपकी इसमें दी गई है पहले पेपर के अंदर वो 1/4 है, समझ में आ रही बात, 4 प्रश्न पर 1 अंक काटा जाएगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें साथियों, ठीक है जी। फेज सेकंड के अंदर आपका दिया गया 60 क्वेश्चन आपके 120 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है जी, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये कुछ अलग अलग आपके ऑनलाइन टेस्ट दिए गए इसके अंदर, 90 मिनट का, 120 नंबर का, जो आपके पोस्ट मैनेजर जनरल डिपो मूवमेंट अकाउंट टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, ठीक है जी। ये आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है इसके अंदर, जो 25-25 नंबर का वो निर्धारित किया गया है, लेकिन इसमें मिनट अब की बार 20-20 मिनट मिलेंगे, पहले जैसे मैंने 15 मिनट आपको बताए थे। सेकंड पेपर है ये आपका,
अलग अलग पदों के लिए साथियों, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है जी। पेपर सेकंड जो आपका, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग के अंदर भरा है तो आपका क्या विषय है, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए इसमें जैसे अलग से पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर फूड एंड साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनका विषय अलग से पूछा जाएगा, उनसे 60-60 प्रश्न ये आपके आएंगे, ठीक है ना, जो आपने अपने पोस्ट के आधार पर भरा है, तो वो आपके सब्जेक्ट के आधार पर आपके 60-60 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहने वाला है, ये आपका एग्रीकल्चर के अंदर, मैनेजर टेक्निकल के अंदर जो पोस्ट ई वाले बच्चे हैं वो विशेष तौर पर ध्यान दें, एग्रीकल्चर वाले बच्चे विशेष तौर पर ध्यान दें। इसके अंदर जो आपका विषय पूछा जाएगा साथियों, सब्जेक्ट से संबंधित जो आपके आएंगे, तो वो क्या आएगा, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, इंडियन एग्रीकल्चर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है जी, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। फूड एंड एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में फूड ग्रेन वगैरह है, प्रोटेक्शन वगैरह, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, ये आपसे पूछे जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, माइक्रोब्स पूछे जाएंगे, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछी जाएगी, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, ठीक है जी। पैथोजेंस पूछे जाएंगे, कंट्रोल एंड दी रीसेंट ट्रेंड्स क्या है वो आपसे डिस्कस की जाएंगे, ठीक है जी। एंटोमोलॉजी के अंदर आपसे इसके अंदर डिस्कशन की जाएगी, एंटोमोलॉजी के आप इसमें टॉपिक देख सकते हैं साथियों, साथ साथ में खुद से पढ़ते चले जाएं। केमिस्ट्री के अंदर क्या आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री आएगी आपकी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्डिंग आएगी, रेडियो एक्टिविटी आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी साथियों, काफी अच्छा सिलेबस है। पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिक मेटल एंड नॉन मेटल साथियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, बेसिक अल्कलाइंस, एल्कलियंस और आपसे अल्कोहल पूछे जाएंगे, एल्डिहाइड पूछा जाएगा, एसिड एंड साल्ट पूछा जाएगा आपसे। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट आएगा साथियों, प्रोटीन आएंगे, फैट्स आएंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, यानी कि जैव रसायन जो आपका टॉपिक बनता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। तो ये आपका मैनेजर टेक्निकल जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो विशेष तौर पर ध्यान रहें, उनका ये सिलेबस दिया हुआ है पेपर सेकंड के अंदर, और इंटरव्यू के अंदर भी आपसे इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो ये एग्रीकल्चर वालों के लिए विशेष तौर पर है, ये थोड़ा सा आप बेसिक जान सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये था आपका एफसीआई रिक्वायरमेंट जो आपके मैनेजर और ट्रेनिंग के लिए अलग अलग पदों के लिए आपको दिया गया है। इसके अंदर एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाला बच्चा है वो अप्लाई कर सकता है। कोड ई आपका यहाँ पर निर्धारित किया गया, आयु सीमा आपकी 28 वर्ष अधिकतम दी गई है, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कीजिए, fci.ncii.in पर जाकर, वहां की वेबसाइट आपको दी गई है साथियों। इसी के साथ में नई नई वैकेंसीज के बारे में, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।